अपडेटेड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसका एक्चुअली आजकल नामकरण किया गया है ऑस्टियोआर्थरोसिस, और इसे आमतौर पर संधिवात कहते हैं, संधिवात कहते हैं, और हमें ये टर्म इससे अप्रोप्रिएट लगता है संधि क्षय। और जब हम इसके बारे में जानते हैं तो आपको भी ये लगेगा कि संधि क्षय शब्द जो है वो उचित है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पढ़ाता नहीं, मैं केवल आप लोगों को समझाता, और मैं अलग अलग तरीके से समझाता। जो कुछ समझाया जा रहा है इसमें 60% योगदान मेरी मैडम डॉक्टर ब्रिजबाला जी वशिष्ठ कराता है और 40% मेरा होता है। आज मैं बिना कुछ लिखे आया हूं, मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, और आप लोगों के साथ बातें करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 4 बजे जब ये वर्कशॉप कंप्लीट होती है तो एक बिल्कुल स्पष्ट एक अप्रोच आपकी बन जाएगी कि मुझे संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को कैसे मैनेज करना है। ओके, उससे पहले मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए कि संधिवात में होता क्या है। सिंपल सी एक डायग्राम बनाते हैं, एक बोन बना लेते हैं, ये एक बोन है और इसका ये दूसरा एंड। आप समझ गए होंगे कि मैं तो टिबिया और फीमर बना रहा हूं। यहां पे आपको ये देखना है इस बोन में ये एक कैप्सूल होता है बाहर जो इसको कवर किए रखता है, 2 बोन्स होंगे, और अब ये जो एंड्स हैं बोन के एंड्स, इन बोन्स के एंड्स में एक कार्टिलेज होती है, ये आपको दिखाई दे रही है, और एक और चीज होती है वो इस कैप्सूल के नीचे होती है, इसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब बोन के अंदर क्या भरा होता है, बोन के अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड, तो इसके अंदर हम साइनोवियल फ्लूइड भरते हैं। जस्ट आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, ये कैप्सूल है, ये नीली वाली जो है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये ज्वाइंट कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं, और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है। ये सॉरी ये बोन है और ये भी बोन है, नथिंग स्पेशल, सिर्फ एक जॉइंट का स्ट्रक्चर बनाया गया कि क्या होता है। फ्रेंड्स, ये जो लाल वाली मैंने आपके सामने ये कार्टिलेज बनाई है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, एक थोड़ा सा इस बात का थोड़ा मलाल मुझे रहता है, मैं अपनी पीड़ा की बात करता हूं। तरुणास्थि को वो महत्व नहीं दिया गया जो तरुणास्थि को दिया जाना चाहिए था, कार्टिलेज को दिया जाना चाहिए था।
कार्टिलेज को हम तरुणास्थि ही कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली तरुणास्थि को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जबकि तरुणास्थि के बिना काम चलता नहीं। क्यों नहीं चलता है? नाक किससे बना है? ये अग्रभाग तरुणास्थि से, कार्टिलेज से। कान किससे बना है? तरुणास्थि से। ये जो ट्रैकिया है इसमें सी शेप्ड रिंग्स आ रही हैं। इसके बाद एपिग्लॉटिस है, इसमें तरुणास्थि है। ब्रोंकाई तक अंदर तक ये चली जाती है। फिर बोन्स तो हम देख ही चुके हैं, जॉइंट कार्टिलेज हम देख चुके हैं, और तो और हमारे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं वो भी तो कार्टिलेज के बने हुए हैं। कितना कुछ है जो कार्टिलेज से बना हुआ है। लेकिन कार्टिलेज के बारे में जिस प्रकार की एक बेसिक जानकारी आयुर्वेद के चिकित्सक को दी जानी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसको ना तो धातुओं में लिया गया, ना उपधातुओं में लिया गया, ना मलों में लिया गया, कहीं तरुणास्थि आप ही सोचिए, आपके जो प्रोफेसर ने क्लास में तरुणास्थि का नाम कितनी बार लिया, जबकि तरुणास्थि से रिलेटेड रोग आज बहुत कॉमन हो गए। और आपके पास जो पेशेंट आ रहा है, डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज तो इतनी कॉमन हो गई है दुनिया भर में। आपको पता है एक एस्टिमेट कहता है कि अगर ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो 2025 तक भारत में लगभग 6 करोड़ लोगों को यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थ्रोसिस होगी। 6 करोड़ लोग कम नहीं होते, और वो उनमें से बहुत सारे लोग तो हमारे पास आते हैं ना चिकित्सा के लिए, लेकिन मेरा जो डॉक्टर है उसका तरुणास्थि का नॉलेज ही पुअर है बेचारे का, तो करेगा क्या? उसको ये भी नहीं पता है कि प्लीज डोंट माइंड, ज्यादातर जिनसे मेरी बात होती है मम्मी बात, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि कार्टिलेज में पेन फाइबर्स नहीं होते, नर्व एंडिंग्स नहीं होती, तो कार्टिलेज तो पेनलेस है। कोई कुछ लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स भी नहीं होती, और ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं तो वहां पे न्यूट्रिशन जो है वो बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, और मुश्किल से पहुंचती है तो रीजनरेशन कहां से होगा। ये कुछ एस्पेक्ट्स है ना, बेसिक एस्पेक्ट्स। कभी कभी जब बातचीत होती है, डॉक्टर्स मेरे साथ बात करते हैं, उनको जानना होता है, केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि बेसिक जानकारी भी कई बार चिकित्सक को नहीं होती है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया ये जो कार्टिलेज है इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़िए। मैं आपको मोटे तौर पर याद करा दूं, आप लोगों को पता है पर मैं फिर भी एक बार याद करा देता हूं कि कार्टिलेज में होता क्या है। सिंपल सी बात करूंगा ताकि ज्यादा, ये कार्टिलेज है जॉइंट कार्टिलेज, मान लीजिए हम इतने ले रहे हैं, ये कार्टिलेज जो है ये बनाता कौन है और किस चीज से बनी होती है? इसमें सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं ये गुच्छों में होते हैं, झुंडों में होते हैं, इनको बोलते हैं लैक्यूनी, ऐसे होते हैं। आप बोर मत होइएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जो सेल्स हैं इनका नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करते हैं? ये दो चीजें बनाते हैं, एक तो बनाते हैं प्रोटीन्स, धागे बनाते हैं, फाइबरस प्रोटीन या कोलेजन फाइबर्स, और दूसरा बनाते हैं मैट्रिक्स या प्रोटियोग्लाइकेन्स। ठीक है, एक होता है ये पूरे, इसको मैं हरा रंग दे देता हूं, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं,
कुछ फाइबर्स मैंने ग्रीन कलर के कर दिए और कुछ फाइबर्स को मैं दूसरा ये ब्लू कलर दे देता हूँ, ये कुछ ये होते हैं। तो दो तरह के फाइबर्स हो गए। और इसके बाद जो पिंक बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रही है वो प्रोटियोग्लाइकन है। फ्रेंड्स ये जो ग्रीन वाले हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं इन ये होते हैं कोलेजन फाइबर्स, और जो ब्लू वाले हैं ये होते हैं इलास्टिक फाइबर्स। और जैसे मैंने कहा ये जो पिंक है ये बैकग्राउंड है, ये है प्रोटियोग्लाइकेंस, यानी दो चीजों से बनी है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और ये बनाती है एक जेली, जेली बनाती है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है, ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, उसकी हिस्टोलॉजी है। अब आपके माइंड में कुछ प्रश्न आएंगे, मैं उनका उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न ये आएगा कि ये सब बनाता कौन है, तो इसका उत्तर है कि ये जो आपको देख रहे हैं ये ब्लैक वाले कॉन्ड्रोसाइट्स, सारा खेल इन कॉन्ड्रोसाइट्स का है, चाहे वो फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं, या ये जितनी मैट्रिक्स है, सारा कुछ बनाया हुआ है कॉन्ड्रोसाइट्स ने। अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स कहां से आते हैं और ये जो झुंडों में क्यों रहते हैं, जिनको लैक्यूनी कहते हैं, लैक्यूनी, ये ग्रुप्स में क्यों रहते हैं। पहला सवाल मैं जवाब देता हूं कि ये आते कहां से हैं, तो इसका उत्तर मैं आपको दूंगा कि एक विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं, ये यहां रहते हैं इस जगह, पर एक कवरिंग होती है बाहर, इसको बोलते हैं जो पेरियोस्टियम होती है, इसके नीचे ये सेल्स होते हैं और ये सेल्स को का नाम होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट यहां से ट्रेवल करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं इधर इधर इधर, अंदर जाते जाते हैं और बन जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और कॉन्ड्रोसाइट्स से बनाते हैं कार्टिलेज। अब क्या होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति है उसकी जीन्स खराब है जिससे कार्टिलेज बननी है, और जीन्स ऐसी है कि उसको कॉन्ड्रोसाइट्स, ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट्स हैं, ये धीरे धीरे मरना शुरू हो गए, तो फिर आगे कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ से बनेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स नहीं बनेंगे तो कार्टिलेज कहाँ से बनेंगे। तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ फैमिलीज में 40-50 की एज आते आते लोगों को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो वो जेनेटिकली होती है, लेकिन उसके साथ अगर आप कुछ फैक्टर्स और डाल दें, अगर आप ये देखें कि पेशेंट की अपनी जो जॉइंट की मूवमेंट है वो गलत है, पेशेंट बहुत देर खड़ा रहता है, उकड़ू होके बैठता है, चौकड़ी मार के बैठता है, नील डाउन करता है, झुका रहता है घुटनों के ऊपर, यानी अगर वो बॉडी को ट्विस्टिंग करता है जिसमें कार्टिलेज को इंजरी होती है तो तब भी प्रॉब्लम आती है। तो कारणों में क्या आएगा, एक जेनेटिक डिसफंक्शन डिफेक्ट एक कारण होता है, और दूसरा होता है इंजरी, इंजरी किसको, कार्टिलेज को। ये दो बड़े कारण होते हैं। अब किसी का बॉडी वेट बहुत ज्यादा है और कॉन्स्टेंटली जब वेट बियरिंग ज्वाइंट्स के ऊपर वजन पड़ेगा तो इंजरी तो होगी ना, तो ऑब्वियसली नी ज्वाइंट्स की कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक बैलेंस होता है कि कार्टिलेज जो है
कार्टिलेज जो वेयरिंग डाउन होती है, यानी इसका जो घिसने का प्रोसेस है और इसका बनने का प्रोसेस है, कार्टिलेज प्रोडक्शन जो कॉन्ड्रोसाइट्स करते हैं, इसका एक बैलेंस बना रहता है यंग एज में। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है और अगर किसी का बॉडी वेट बढ़ता है या उसकी जॉइंट की मूवमेंट्स खराब होती हैं, तो क्या होगा, ये जो घिसने का काम है, टूटने का काम है, ये ज्यादा हो जाएगा और बनने वाला काम कम हो जाएगा। और इससे ये जो इम्बैलेंस होता है, इस इम्बैलेंस से क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये क्या इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो आर्थराइटिस कहते हैं। उत्तर ये है कि जी नहीं, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं है, इसलिए इसका नाम बदल के ऑस्टियोआर्थ्रोसिस कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन इसमें होती है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों होती है, लेकिन केवल उसके कारण ही हम इसको इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं कह सकते। अब पेशेंट जब आपके पास आ रहा है, एक बात को समझिए, इस स्ट्रक्चर में मैंने कहीं ब्लड वेसल नहीं बनाई, इस स्ट्रक्चर में मैंने कहीं नर्व एंडिंग नहीं बनाई। अब ब्लड वेसल अगर मुझे बनानी हो तो मैं कहाँ बनाऊंगा, ब्लड वेसल्स यहाँ घूम रही है, ये बाजू वाले स्ट्रक्चर्स यहाँ घूम रही है, ये बोन हो सकती है, यहाँ पे ब्लड है, और इस ब्लड यहां से क्या होगा कि ब्लड धीरे 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 जो पोषण यहां आया आहार रस या यहां आया, वो पोषण धीरे धीरे रिसता हुआ यहां पहुंचा, ये यहां से रिस रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, रिसना डिफ्यूजन रिश्ता है, सॉरी डिफ्यूजन होके यहां पहुंच रहा है। अब भीख मांग के तो कोई व्यक्ति सेठ नहीं बनेगा ना, तो ये बेचारी कार्टिलेज को ब्लड तो मिलता नहीं है, तो जैसे तैसे ये जो आजू बाजू में स्ट्रक्चर है, खास करके बोन है, उसकी दया के ऊपर है, तो वहां से जितना उसको ब्लड मिलता है उतनी वो बन जाती है। तो अगर ये क्रैक होगी तो नई नहीं बनेगी, कैसे बनेगी, बने नहीं सकते, क्योंकि इतना न्यूट्रिशन प्रोटीन्स इतनी कहाँ पे आ रही है, सेल कहाँ से बनेगा। एक कारण और होता है फ्रेंड्स, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो सेल्स है ना कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, ये तो मरना शुरू हो जाते हैं आगे चल के, लेकिन रिपेयर कैसे होता है, ये बात मैं एक दिन वुंड हीलिंग पे बात करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे चिकित्सकों की कॉन्सेप्ट रिपेयर या वुंड हीलिंग से रिलेटेड क्लियर नहीं है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। मान लीजिए ये स्किन है, और इसके अंदर कुछ थोड़ा सा, तो अब क्या होगा, और इसके नीचे फैट है, ओके। अब क्या होता है कि ये जो स्किन के साइड में इस जगह सेल्स होते हैं, ये सेल्स यहां से बढ़ते जाएंगे और बढ़ते 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 ये जो सेल्स हैं ये इसको रिपेयर कर देंगे। तो इन सेल्स में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। हर एक टिश्यू में कुछ स्टेम सेल्स रिजर्व रखे होते हैं प्रकृति ने, और मौका पड़ने पे वो स्टेम सेल्स जो हैं डिफरेंशिएट होते हैं और ये रिपेयर हो जाता है, और अल्टीमेटली दिस बिकम्स लाइक दिस, ये पूरा भर गया और ठीक हो गया, या फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये सोचिए कि मैं यहाँ डैमेज करता हूं थोड़ा सा, मैंने ये डैमेज कर दिया,
अब ये कार्टिलेज होगी डैमेज, तो इसमें कार्टिलेज को दोबारा बनने के लिए क्या चाहिए, कॉन्ड्रोसाइट्स चाहिए, ताकि वो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या बनाएंगे, वो फाइबर्स बनाएंगे और फाइबर्स के साथ वो मैट्रिक्स भी बनाएंगे और उसे ये यानी प्रोटियोग्लाइकन्स बनेंगे और ये पूरा भर जाएगा। लेकिन सब एक दिक्कत प्रैक्टिकली क्या होती है कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये कार्टिलेज के बीच में फंस चुके हैं, ये यहां जा नहीं सकते, इनकी मूवमेंट नहीं है, यानी इस सरगुण नहीं आ रहा इनके अंदर, ये स्थिर हो गए हैं और स्थिरता के कारण जब ये यहाँ जाएंगे नहीं तो ये यहाँ के कार्टिलेज बनेगी नहीं, तो कार्टिलेज का रिपेयर या नहीं होता है या बहुत ज्यादा स्लो होता है। ये बात समझिए, दो कारणों से मैंने बोला, एक ब्लड सप्लाई कम है ही नहीं, डिफ्यूजन होके तो आहार रस मिल रहा है, और दूसरा कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो वहां जा ही नहीं सकते, तो रिपेयर कौन करेगा वहां पे। इसलिए जब भी किसी को ऑस्टियोआर्थ्रोसिस होगी, कार्टिलेज घिस जाएगी, उसको बोल दीजिए कि अब ये बनना तो बहुत कठिन है, इसको हम थोड़ा बहुत मजबूत कर सकते हैं, कुछ रसायन औषधियां हमारे पास हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि आपकी 4 mm की जो ये जो कार्टिलेज थी वो 4 mm बन जाए और जो स्पेस आपका कम हो गया दोबारा उसी लेवल पे आ जाए, तो वो तो एक सपना है जो पूरा नहीं हो सकता है। इस बात को हमें समझना होगा, हमारी मजबूरी है। एक प्रॉब्लम और मैंने बताई कि नर्व एंडिंग्स जो हैं, नर्व एंडिंग्स भी तो नहीं है ना कहीं पे, नर्व एंडिंग्स यहाँ है बाहर, ये नर्व एंडिंग्स यहाँ है, नर्व एंडिंग्स यहाँ है, सेंसरी नर्व्स, अंदर तो नर्व एंडिंग्स भी नहीं है, तो जब डैमेज होता है तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता, और जब डैमेज होते होते ये बोन तक चला जाता है डैमेज, तब जाके पेशेंट को दर्द होती है और वो कहता है कि मुझे तकलीफ है। भाई जब पेशेंट को तकलीफ हुई तब तक डैमेज बहुत ज्यादा हो गया था कार्टिलेज का, लेकिन पता क्यों नहीं चला, क्योंकि पेन फाइबर्स वहां नहीं थे, वहां न्यूरल एक्टिविटी नहीं थी। दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक कार्टिलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ये एक स्ट्रक्चर है, टिश्यू है, और मैं आप लोगों की जानकारी के, आप लोगों को पता होगा बट फिर भी मैं, मुझे संतोष नहीं होता कई बार जब तक मैं अपने मुंह से नहीं देता। 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं, ये बहुत कठिन है विदुषी जी, अर्ली नहीं पता चल सकता, एक्सरेस MRIs करवाया जाए। हाँ, वॉल्यूम इज वेरी लो, कोई कह रहा है, आवाज कम आ रही है क्या? ठीक आ रही है सर, ठीक आ रही है। डॉक्टर प्रीति पाटिल जी, आप जिन्होंने भी कहा है उनको आवाज कम आ रही है, देख लीजिए आपके सेट का ही वॉल्यूम कम होगा। फ्रेंड्स ये विदुषी जी, इसको MRIs वगैरह अर्ली स्टेज पे करवाया जाए तब पता चल सकता है, अदरवाइज दिक्कत है। तो मैं आपको डायग्नोसिस के लिए नहीं ज्यादा जोर दे रहा, आप लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं ना भाई, आपके पास पेशेंट आया और वो बता रहा है कि उसको पेन होती है, स्टिफनेस हो जाती है और ज्यादा ज्यादा ऑर्गन जो किसी अंग को यूज करता है तो दर्द बढ़ती जाती है, रेस्ट करता है तो कम हो जाती है। और फिर एक बात और होती है कि जब सुबह उठता है तो सुबह उठने के बाद उसको कुछ देर तक स्टिफनेस हो सकती है और उसके बाद दोबारा थोड़ी देर के बाद स्टिफनेस कम हो जाती है। ये सब कुछ है, डायग्नोसिस आप कर लेंगे, एक्सरेज करवाएंगे, MRI करवाएंगे, सब इमेजिंग टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल हैं, या प्री डायग्नोस पेशेंट आता है। लेकिन आपने अपने उस पेशेंट के लिए को पहले समझना है, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको क्यों हुआ है, उसको भी समझाना है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना है और उसके बाद आपने चिकित्सा शुरू करनी है। फ्रेंड्स जब चिकित्सा की बारी आती है, उपचार की बारी आती है,
तो कई बार हम सोचते हैं कि शायद कोई चमत्कारिक दवाइयां होंगी, वो आके काम करेंगी। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये चमत्कार शब्द हमें बोलना ही नहीं चाहिए। मेडिकल साइंस में चमत्कार नहीं होता, सब विज्ञान है। लेकिन अगर हम उन्हीं औषधियों का जो हमारे आजू बाजू है, जो हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे क्लिनिक में आपके टेबल पे है, अगर उनका उपयोग सही करते हैं, तब आप बहुत अच्छे परिणाम ले सकते हैं। और अगर आप उनका उपयोग सही नहीं करते हैं, वो युक्तिपूर्वक नहीं करते हैं, तो आपको परिणाम सही नहीं मिल सकते। ये बात आप समझ। हम पहले सूत्र की बात करते हैं कि हमें जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हमें किस चिकित्सा सूत्र के आधार पे उसका ट्रीटमेंट करना है, ये बात पहले देखते हैं। आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही? क्या आवाज सर प्रॉपर आवाज में आ कुछ रही है प्रॉब्लम है? आ रही है? जी। सर प्रॉपर आ रही है आवाज। सर आप कौन बोल रहे हैं? नीरू बोल रही हूँ। जी, क्योंकि प्रॉब्लम, कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ओके, ठीक आ रही सर, एकदम ठीक आ रही। नहीं, आवाज आ रही है। सर ठीक एकदम बराबर है है आवाज। ओके, फाइन फाइन। डॉक्टर्स, जब सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम है धातु क्षय की। और यहाँ पे धातु क्षय किसका हो रहा है? सॉरी, और ये धातु क्षय है तरुणास्थि का, यानी तरुणास्थि धातु क्षय हो रहा है। और वो धातु क्षय क्यों हो रहा है? इसलिए हो सकता है कि उस पेशेंट के जीन्स खराब थे, या उसकी हैबिट्स खराब थी जॉइंट्स को यूज करने की, या उसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा था, या उसका बॉडी वेट ज्यादा था, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि धातु क्षय हुआ, तरुणास्थि घिसी। और आप जान गए हैं क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो तरुणास्थि कम बनेगी। इसलिए जब धातु क्षय है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रसायन औषधियां देंगे। ये पहला सूत्र। अब मैंने एक चीज बीच में मेरे माइंड से निकल गई, मैं आपको बताता हूं। अब क्या होता है कि हम इस पहली पिक के ऊपर आ जाते हैं कि जब यहाँ पे ये टूटना शुरू होती है, कार्टिलेज यानी घिसना शुरू होती है, तो कुछ चेंजेस आते हैं। इसके जो टुकड़े हैं, ये जो लाल वाले टुकड़े हैं, ये लाल वाले टुकड़े यहाँ जाते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के पास और उसको इरिटेट करते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। इट बिकम्स लाइक दिस। अभी इसके बाहर हम ज्वाइंट कैप्सूल बना देते, सो इट विल बी लाइक दिस। तो एक इन्फ्लेमेशन हो गई। दूसरी एक और चेंज होती है, और ये कि ये जो बोन है नीचे की, ये हार्ड हो जाती है। ये प्रकृति का एक तरीका है सुरक्षात्मक, कि नीचे की बोन हार्ड हो जाती है। और यही नहीं, ये हार्ड हुई बोन थोड़ी साइड से ऑस्टियोफाइट्स के रूप में बढ़ भी जाती है, जिसको हम अधिअस्थि कह सकते हैं। ये भी हो जाता है।
और एक चीज उसमें और होती है और वो ये है कि ये जो बोन है बोन बीच बीच में खोखली होने शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आती हैं। तो ये पूरी पिक्चर बन गई ऑस्टियो आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थरोसिस की। लेकिन अब हम ध्यान देते हैं इस सेक ये जो सेकंड पैथोलॉजी है, सेकंड पैथोलॉजी कौन सी है? इन्फ्लेमेशन, यानी ये जो कार्टिलेज टूटी और उसने जाके इन्फ्लेमेशन इरिटेशन से किया साइनोवियल मेम्ब्रेन में, साइनोवाइटिस हुई। हमें इस साइनोवाइटिस के लिए भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो हम शोथहर औषधियां देंगे, ये दूसरा है। लेकिन आगे जब जाते हैं तो मैंने क्या बोला आपको कि ये जो ये हड्डी है, ये जो बोन है, ये देखें सुराख हो गए, इसमें पोरोसिटी हो गई, यानी ऑस्टियोपोरोसिस इसमें हो रही है, तो आपको अस्थि धातु के लिए भी रसायन औषधियां देनी पड़ेंगी। तो आपने ये जो रसायन दिया था पहला, ये था तरुणास्थि रसायन या तरुणास्थि बल्य औषधियां। और अब इसके बाद जो अगला रसायन आप देंगे वो होगा अस्थि रसायन या अस्थि बल्य औषधियां। ये दो तरह के आपको रसायन देने पड़ेंगे। जब आप शोथहर औषधियां दे रहे हैं तो पेशेंट को वेदना होती है, तो आपको वेदनाहर औषधियां भी देनी है, वात शामक औषधियां। और वेदना अगर हो रही है तो ये एक इस बात का प्रमाण है कि नीचे की हड्डी अफेक्ट हो गई है, उसके अंदर की नर्व एंडिंग्स, उसके अंदर यानी वायु प्रकोपित हो रहा है, यानी नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट हो रही है। सिंपल, नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट हो रही है, वायु प्रकोप हो रहा है, एक बात। तो ये हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट की अगर कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है हमें उसे भी मैनेज करना है। यानी अगर कोई निदानार्थकर रोग है, अगर निदानार्थकर रोग अगर है तो उसकी चिकित्सा करनी है। आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सा हो सकता है, तो स्थौल्य, जैसे मैंने कहा स्थौल्य तो एक है, यानी ओबेसिटी एक है। दूसरा एक और चीज देखी जाती है कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं उन लोगों को भी ये ज्यादा होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उसमें क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो और तीसरे पोस्ट मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉजल जो लेडीज होती हैं उसका भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर जनरल डेबिलिटी किसी भी कारण से हो, जनरल डेबिलिटी किसी कारण से हो उससे भी हो सकता है, या फिर कभी कभी जो लोकल डैमेज होता है जॉइंट का वो हो सकता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हो रहा हो या गाउट के कारण हो रहा हो, या ये भी हो सकता है कि इन्फेक्टिव आर्थराइटिस हो गई, किसी तरह की इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फेक्शन हो गई, इसके कारण हो गया हो, तो इनका आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको हमेशा ध्यान रखिए। और पांचवा नंबर, आप अगर हो सके, अगर आपको लगे कि ये पेशेंट कहीं इसका धातु क्षय जनरल है, तो आपको सामान्य रसायन, देखिए रसायन चिकित्सा बहुत है, सामान्य रसायन का मतलब होता है जनरल उसके लिए टॉनिक्स, और छठी चिकित्सा जो आपको देनी है वो इसमें देनी है स्थानिक चिकित्सा। तो ये फ्रेंड्स स्थानिक उपचार करेंगे, तो ये हो गए हमारे चिकित्सा सूत्र, उपचार सूत्र। हम शुरू करेंगे कौन से, ये जो पहले वाला है रसायन यानी तरुणास्थि बल्य जो है हम इसकी बात करेंगे। चलिए इसको ले चलते हैं नीचे। तो सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे, तरुणास्थि बल्य।
आप मुझे पूछ सकते हैं कि जब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि तरुणास्थि कार्टिलेज अगर डीजनरेट हो जाए तो बनती नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि उनके लिए रसायन है, बनती कम है, स्लो है, अगर हम रसायन औषधियां देते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है, विशेष रूप से अगर वो अर्ली स्टेजेस में अगर आपको पेशेंट मिल जाता है तो आप रसायन चिकित्सा, केवल रसायन चिकित्सा करेंगे तो लाभ मिलेगा। ऐसा मैंने, हम लोगों ने वर्षों तक किया है, तब मैं आपको कह पा रहा हूँ। तो तरुणास्थि बल्य औषधियां कौन सी होती हैं जो हमने ट्राई की, मैं वही बोलूंगा, अब लाइफ तो बहुत छोटी है, ज्यादा तो नहीं काम हो सकता। तो हमने शुरुआत की अश्वगंधा से, परिणाम मिलता था, अच्छा मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। उसके बाद बहुत काम और किया, बहुत सारे दूसरे रसायन औषधियों का हमने इसमें उपयोग किया, लेकिन एक रसायन औषधि और मिली, क्या हुआ पता नहीं, समझ में आया, लेकिन एक दूसरे के जैसे पूरक होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री, वो अश्वगंधा के साथ हो गए और उसका नाम है शिलाजतु। तो शिलाजतु ये दूसरी रसायन हमने ले ली। इसके साथ एक रसायन औषधि ऐसी है जो कम मात्रा में बहुत ज्यादा काम करती है, उसको आप अगर उसका यूज करते हैं रसायन के रूप में तो आपको बहुत यश देती है, इसीलिए उसका नाम यशद है। तो हमने इसमें यशद मिला। फ्रेंड्स, अश्वगंधा से शुरू किया, शिलाजतु कई वर्षों के बाद अलग अलग देते थे, एड की, रिजल्ट बेटर हुए, यशद को मिलाया, रिजल्ट बेटर हुए, फिर सोचा कि क्या कुछ ऐसी औषधि दे सकते हैं जो कि आसपास के टिश्यूज में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए, स्रोतों अवरोध दूर करे, स्रोतों का विस्फारण करे, कुछ ऐसी औषधियां हो सकती हैं। तो दो औषधियां बहुत सारी ट्राई की, दो हमें और मिली, एक थी मंडूक पर्णी सेंटेला एसियाटिका, जो कहा गया है कि ये वुंड हीलिंग में बहुत काम करती है क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, और एक हमने देखी दुग्धिका। तो ये पांच औषधियों का एक योग हम लोगों ने बना लिया, वर्षों तक दिया। मैं आपको भी ये कहता हूं, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जहां आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली डू नॉट टेक एनी अदर मेडिसिन, नो एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, नो एनल्जेसिक्स, नो अदर टॉनिक्स, नो बोन टॉनिक्स, नो नथिंग, केवल यही पांच औषधियां पेशेंट को बोलिए, तो आपको लगेगा विद इन वन वीक्स टाइम द पेशेंट विल स्टार्ट इंप्रूविंग, एंड विद इन थ्री मंथ्स हमने देखा है कि समटाइम्स बेड रिडन पेशेंट्स इन पांच औषधियों से चलना शुरू करते थे, बेड से उठकर बाथरूम, उसके बाद हॉल में, किचन में, फिर आंगन में, गली में, बाजार में, मार्केट में पेशेंट मिलते थे। फ्रेंड्स, ये मैं फिर आपको वही कहूंगा कि हम कोई विद्वान तो है नहीं, हम तो चिकित्सक लोग हैं और हम तो रोगी का भला करते हैं जिससे हो। तो ये औषधियां हैं, आप इनको कम मात्रा में दीजिएगा, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, पूरी मात्रा में दीजिएगा तो रिजल्ट मिलेगा, और वो आपको पता है 3 से 6 ग्राम की है, और हम इसके क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं, और इन सभी को मिला के हमने एक टैबलेट बना दी और उसका नाम रखा कार्टोजन, और वो कार्टोजन हजारों लाखों डॉक्टर्स यूज करते हैं टैबलेट, जो दो दो टैबलेट 3 बार की मात्रा में हम देते हैं और इसका रिजल्ट लेते हैं, बिना किसी एंटी इंफ्लेमेटरी कोई के भी आपको रिजल्ट मिलेगा, बिना पेन किलर्स के, बिना बोन टॉनिक्स के रिजल्ट मिलता है, प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम असाध्य अवस्था में ना चला गया हो, कार्टिलेज बिल्कुल खतरनाक हो गई हो, कुछ बची है तो दीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट आता है, लेकिन अगर आप इसके साथ बाकी औषधियां मिलाते हैं तो रिजल्ट बेटर आता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो औषधियां हैं
हमने इनके साथ कुछ और औषधियां भी ट्राई की। हमने तो देखा कि अगर पोस्ट मेनोपॉज है तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम शतावरी का यूज कराते हैं तो रिजल्ट बेटर होता है, क्योंकि ये फाइटोएस्ट्रोजेनिक है, यानी एस्ट्रोजेंस का कुछ रोल तो है ना बॉडी हेल्थ के लिए, डी एंटी डीजनरेटिव इफेक्ट है विमेन में। तो शतावरी जब हम, इसलिए जब आपके पास कोई पेशेंट हो जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपने कार्टोजन दे दिया, लेकिन उसके साथ अगर आप शतावरी ऐड करेंगे तो रिजल्ट बेटर हो जाएगा। या फिर कोई पुरुष है, कोई पुरुष है, मेल है, कई बार क्या होता है कि जो मेल में क्लाइमैक्टरिक होता है, एंड्रोजेंस की कमी आती है, उसके कारण भी डीजनरेशन ज्यादा होती है कार्टिलेज की, तो ऐसे में हम एंड्रोजेंस देते हैं। एंड्रोजेंस के लिए हमारे पास कौन सी औषधियां हैं? हम बोक्सोर देते हैं, हम अश्वगंधा देते हैं, कपिकच्छू देते हैं, विधारा देते हैं, कुछ और भी औषधियां हो सकती है। इस केस में कपि आप अश्वगंधा पहले से दे रहे हैं, अब आप कपिकच्छू ऐड कर सकते हैं, आप गोक्षर ऐड कर सकते हैं, विधारा ऐड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हमने अश्वगंधा कपिकच्छू इनके साथ मिला के एक औषधि बनाई, उसमें शिलाजत भी डाली और यशत भी डाल दिया। देखिए कितनी सुंदर एक प्रोडक्ट बन गई, और इसको नाम दे दिया हम लोगों ने हाई ग्रो। तो ये टीनेजर्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन एंटी डीजनरेटिव है तो इसमें भी हम देते हैं। तो जहां हमको लगता है कि बहुत ज्यादा डीजनरेशन हो गया है तो हम, और मेल्स में खास करके, तो हम लोग कार्टोजन देते हैं और साथ में हाई ग्रो दे देते हैं। तो कार्टोजन और हाई ग्रो ये मेल्स में, और कार्टोजन प्लस शतावरी ये फीमेल्स में, सिंपल करके देखिएगा तो मजा आने वाला है। फ्रेंड्स ये हमने बात की तरुणास्थि बल्ले की। अगली चीज पे, अगले पॉइंट पे आते हैं कि हमको शोथहर औषधियां देनी है और अस्थि बल्ले औषधियां देनी है। शोथहर देनी इसलिए जरूरी है कि पेशेंट अगर दर्द से तड़पा जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि मैं पहले तेरी इसके डिजीज को ठीक करूंगा तो वो चला जाएगा, तो आपको क्या करना है कि शोथ और वेदना हर औषधियां पेशेंट को देंगे तो पेशेंट आपके पास रुकेगा। या पर्सनल क्लाउट अगर आपका बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो हो सकता है ना जाए। तो इसमें आपको ये शोथ वाली औषधि का नाम लिखता हूं और यहां वेदना वाली औषधि। ये बातें बहुत बार हम कर चुके हैं, रिपीट होने वाली हैं, फिर भी मोटे तौर पे आपके पास गुगलू है, आपके पास शल्लकी है, और इसके बाद आपके पास एरंडमूल है, एक दो तीन रासना है और दशमूल। जब आप अपने आप से पूछिए कि जब शोथ की चिकित्सा करनी होती है, मेरा मतलब इन्फ्लेमेशन की, तो आपका, आपके दिमाग में क्या जाता है? आपके दिमाग में गुगलू जाता है। फिर आप पूछिए कि मैं 2 से 4 ग्राम गुगलू 3 बार दे रहा हूं या दे रही हूं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको या तो डोज बढ़ाइए या फिर कोई ऐसी औषधि तलाश करिए, उसका विकल्प जो कम मात्रा में इफेक्ट दे। और कई बार आपको मैं बोल चुका हूं कि 400 से 800 मिलीग्राम तक अगर आप शल्लकी देते हैं तो आपको रिजल्ट मिले। दूसरी बात, गुगलू कोई मुकाबला नहीं इस औषधि का, अनपैरेलल्ड मैचलेस। लेकिन जब 4 ग्राम 3 बार देंगे रोज की 12 ग्राम, तो पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो जाएगी,
उसको एपीडी के सिम्टम्स आ जाएंगे तो कई बार वो छोड़ देता है, तो एक प्रॉब्लम है, अरुचि हो जाती है। ये चीज शल्यक्रिया के साथ नहीं। इसके साथ अगर आपको एरंड मूल मिल जाता है तो सोने में सुगंध जैसी बात हो जाती है, ये बहुत अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी है। रासना के बारे में मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये है तो बहुत बढ़िया लेकिन आपको जेन्युइन मिलना चाहिए तो रिजल्ट देगा। और दशमूल भी बहुत अच्छा है लेकिन एक्चुअली दशमूल अकेले उतना काम नहीं करता है, ये एक सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में है। कुछ और औषधियों के नाम लेता हूँ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एक फिर मैं दोबारा अश्वगंधा का नाम ले रहा हूँ, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके बाद शुंठी है और फिर हरिद्रा है, लेकिन अल्टीमेटली आप आ जाते हैं पहली दो तीन दवाइयों के ऊपर, गुगलू, शल्यकी, एरंडमू। हमने क्या किया, शल्यकी ली, शल्यकी के साथ एरंडमूल लिया और एरंडमूल के साथ जातिफल डाला, जो पेन किलर भी है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, तो इनको मिला के हमने लोसवेल टैबलेट बनाई और ये हम 2 TDS देते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं वेदना की। तो वेदना के लिए अब मैं सबसे ऊपर नाम लिखूंगा जातिफल का और इसके साथ जोड़ा हमने वत्सलाभ। ये दो दवाइयां काम करती हैं, यूज करके देख लीजिए। लेकिन इसके साथ हमने एक चीज और जोड़ दी और वो थी गोदवती। और वही नहीं, हमने एक योग वही मिलाया हिंगुल। और ये चारों मिला के डोलिड टैबलेट हमारी है और ये पहली एस्टैब्लिश्ड एनाल्जेसिक हमारी मेडिसिन है जो आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है। फिर हमने एक और काम किया, जातिफल को लिया, इसके साथ मिलाया तगर, फिर मिलाई इसमें पारसिक यवानी, और इसके बाद रक्त मरीच और इनको मिला के हमने एक DL को, ये डी एडिक्शन के लिए है लेकिन ये बहुत अच्छी पेन किलर है, ये भी बनाई। कुछ और औषधियां भी हो सकती हैं लेकिन उतना अच्छा पेन किलिंग इफेक्ट नहीं दे सकते। आप चाहें तो पिपली मूल ट्राई कर सकते हैं, कुछ और औषधियां भी हैं लेकिन हमें उतना पेन किलिंग इफेक्ट नहीं मिला। भांग में भी होता है और अहिफेन में भी होता है लेकिन वो हम यूज नहीं करते हैं। अब इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट में, अस्थिबल्य रसायन। टाइम बहुत कम रह गया है, मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा। अब अस्थिबल्य औषधियों की जब बात करते हैं, क्योंकि आपने एक चीज देखी कि नीचे की हड्डी जो है वो खोखली हो जाती है, प्रोसेस होती है अस्थि सौष्ठव, और इसका नाम क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थ्रोसिस, लेकिन ऑस्टियो साथ में जुड़ा हुआ है, हड्डी में भी प्रॉब्लम है। तो आपको दो प्रकार की औषधियां यहां देनी पड़ेंगी, एक जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाए, ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट यानी अस्थि धातु के कोशाणु, उस एक्टिविटी को बढ़ाए, और एक न्यूट्रिएंट्स दे जिसमें खास करके मिनरल्स और विटामिन्स हो। तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अस्थि श्रृंखला बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद अर्जुन और मंडूक पंडित ब्राह्मी भी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, और इनको तीनों को मिला के हमने एक बनाई न्यू बॉर्न टैबलेट जो हम यूज करते हैं। इसके साथ न्यूट्रिएंट्स में आपको कैल्शियम देना है कोई किसी भी फॉर्म में, मुक्ता शुक्ति, मुक्ता प्रवाल, कोई एक कैल्शियम दे दीजिए, लेकिन कैल्शियम पूरा अब्सॉर्ब हो जाएगा, इसका क्या
विश्वास है तो आपको साथ में कुछ औषधियां देनी है जो योगवाही है, इसके साथ आमलकी दीजिए, फिर अभ्रक दीजिए और यशद दे दीजिए, यश देने वाली, और इनको मिला के हमने एक औषधि टैबलेट बनाई, वो हम देते हैं सुबह शाम 1 BD, तो ये आप दे सकते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया रस अस्थि का निदानार्थक रोग। अगर स्थौल्य है तो चिकित्सा करिए, गुगलू उसमें देना चाहिए, बहुत सारी औषधियां और हैं जो दे सकते हैं, हमारी रेपलक देते हैं। मधुमेह है तो एंटी डायबिटिक दीजिए, पोस्ट मेनोपॉज है तो उसका ट्रीटमेंट करिए, उसमें शतावरी तो दे ही सकते हैं, अशोक लोधर लज्जालु दीजिए। जनरल डेबिलिटी है तो उसमें पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ ठीक करिए, और अगर ये डिजीजेस हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है, तो इनका ट्रीटमेंट करिए। जनरल हेल्थ पेशेंट की अच्छी करिए, और स्थानिक उपचार जो है इसके ऊपर आते हैं लास्ट में। स्थानिक उपचार के लिए आप क्या करेंगे, दो प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। इसमें दो प्रकार की औषधियां हैं, एक है वोलेटाइल ऑयल्स और दूसरी है अदरवाइज वात हर औषधियां। तो वोलेटाइल ऑयल्स में जैसे ये जो गंधपुर आता है, गंधपुर, फिर तैलपर्ण, तैलपर्ण यूकलिप्टस, उसके बाद फिर इसके बाद ये टर्पेंटाइन आता है और मेंथोल, थाइमोल और कैम्फर, और उसके बाद दालचीनी, दारुसिता, ये सारी औषधियां जो हैं ये वोलेटाइल्स में आती हैं। इस तरफ जो वातहर में आती हैं, शल्लकी, निर्गुंडी, एरंडमूल, दशमूल, ये सारी औषधियां आप इनका, इनसे सिद्ध तेल अगर आप करके देते हैं तो मसाज कराते हैं तो लोकल ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, रिलैक्सेशन मिलेगी पेशेंट को। तो हमने इसका एक लोसवेल ऑयल इन सभी मेडिसिन से बनाया है जो हम लोग यूज करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत अनफॉर्मल तरीके से, बहुत अनफॉर्मल तरीके से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी चीज को सुंदर बनाए के, मैं इसमें ये भी डाल दूं, वो भी डाल दूं, आप लोगों को कंप्लीट लगे, कोई प्रयास मैंने नहीं किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।